मैंने इसको लोअर पे रखा नीचे। अब ये लोअर मीन्स नीचे का हीटर ऑन होगा और ऑटोमेटिक ये दाल विद इन 7 to 8 मिनट में गर्म हो जाएगा। अगर जो सब्जी गर्म करनी रहेगी हाँ। तो लोअर का टेम्परेचर सेट करें। लोअर में फास्ट में हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अपर डिपर लोअर एंड मीडियम। ओके, ये जो सिंबल दिया है ये नीचे से मुझे जल्दी फास्ट गर्म करना है क्योंकि मेरा पॉट जो है एल्यूमिनियम का है या तो स्टील का है, उसके लिए गर्म होने के लिए एल्यूमिनियम और स्टील को टाइम लगता है। तो एकदम लोअर पे रखना है आपने। ओके, और वो रॉड के ऊपर ही आपने ट्रे रखना है, स्टील का रैक बोला जाता है। ओके, अब यहाँ से हीटर ऑन होगा धीरे धीरे धीरे, 7 मिनट में पॉट गर्म होगा और ऑटोमेटिकली आपकी जो डिश है वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा खाने के लिए। ठीक है, 250 डिग्री लेना है आपने। ओके, और यहाँ से 10 मिनट दिया आपने, 7 मिनट में रेडी हो जाएगा। और सपोज आपको ये बटन बीच में बंद करने हैं, कर सकते ना? नहीं हो रहा है, माइनस ले सकते हैं या नहीं भी हो रहा है, क्योंकि वो बार बार माइनस लेने से खराब हो जाता है। अगर ऐसे कभी करना रहा तो डायरेक्ट ऊपर से बंद, डायरेक्ट बंद कर सकते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। मतलब अगर कुछ ऐसे गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ता है ना? अगर डायरेक्ट ऊपर से बंद किया, नहीं कुछ भी नहीं होता है। अब ये तो आंटी मैंने आपसे बताया ये आप सब्जी गर्म करना चाह रहे थे, ठीक है। अब मुझे ऑटो डिफ्रॉस्ट करना है, कोई फ्रिज से कोई चीज़ निकाला है उसको गर्म करना है, तो मैंने उसको डायरेक्ट उस पर ही रखना है और उसको 15 मिनट लगेंगे कम से कम, क्योंकि आप 0-डिग्री से ले रहे हो उसको। ओके, वैसे 7 मिनट में जो है ना दाल गर्म हो जाएगा, खाने के लिए यूज़ हो जाएगा। OTG में आप स्टील, मेटल, जर्मन, ये आपका OTG और ग्रिल है। ओके, हाँ। अभी जैसा मुझे ऊपर से पिज्ज़ा रोस्ट करना है। ओके, पिज्ज़ा कब बनता है? चीज़ घिसने के बाद में पिज़्ज़ा मेल्ट हो गया ना, पिज़्ज़ा रेडी हो गया। ओके, तो आपको ये वाला मोड यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला नहीं तो ये वाला, ये आपको इस तरफ रखना है या तो इस तरफ, ठीक है, यहाँ नहीं तो यहाँ पर। ओके, ये केक, नान, कढ़ाई, बिस्किट, बाटी के लिए, ये अपर यानी ऊपर से रोस्ट करना चाह रहे हैं आप। ओके, ये लोअर नीचे से, और ये ऑटो डिफ्रॉस्ट के लिए जो मैंने फ्रिज में से कोई चीज़ निकाल दिया आप डायरेक्ट उसको वार्म कर रहे तो यहाँ रखना है, ठीक है। फ्रिज में से कोई चीज़ बोला तो आपने ये लोअर, ये बोला ना लोअर, ऑटो डिफ्रॉस्ट, ऑटो डिफ्रॉस्ट बोले तो फ्रिज वाली चीज़, लोअर बोले तो नीचे से किसी चीज़ को कड़क करना है, रोस्ट करना है, गर्म करना है फास्ट मूवमेंट में। अगर आप हम कोई फ्रिज से निकाल रहे हैं तो उसको इस पर रख रहे हैं, हाँ, ये तो दोनों से ही बंद ही हो जाता है ना? नहीं, वो चलता है। हमने तो उसमें ट्राई किया, हुआ तो नहीं था। मैं बताता हूँ पहले इसको, मुझे आपने पहले यूज नहीं किया क्या कोई चीज? ओवन समझता है, बट उसमें क्या रहता है, सो स्टार्ट का बटन, टाइमिंग सेट करके स्टार्ट का बटन दबा दो। इसमें ये तीनों सेट कर रहे थे ना तो वो कम समझ रहा था, और हम डर रहे थे थोड़ा यूज कर रहे थे, फर्स्ट टाइम था ना। ओवन है आपके पास? नहीं नहीं, अगर आप केक, नान, कढ़ाई, बिस्किट, बाटी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ओवन से जल्दी काफ़ी अच्छा होता है, बेकिंग होता है, रोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी 7 मिनट में ये बन जाएंगे, गर्म हो जाएगा आपका दाल।